Hey guys, welcome back again on channel. खून हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी कमी से हम जिंदा नहीं रह सकते और हमें अपने ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम किसी से ब्लड ले सके या किसी व्यक्ति को ब्लड दे सके। ह्यूमंस के ब्लड में अंतर एंटीजन और एंटीबॉडी के कारण ही होता है। ब्लड ग्रुप का प्रकार जेनेटिक होता है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है। हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जीवन भर एक ही रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज कैसे हुई और किसने की थी? आइए जानते हैं ब्लड ग्रुप के खोज के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। अमेरिका में एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम कार्ल लैंड स्टीनर था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कई व्यक्तियों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें जिस प्रकार का ब्लड चाहिए था वो प्रकार का उसे ब्लड नहीं मिल पाया। उन्होंने जब एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में के शरीर में चढ़ाया तो ब्लड की क्लोटिंग जमने लगी और इस वजह से खून बहना बंद होने लगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पीलिया जैसी बीमारियां और कई लोगों की मौत भी हुई। इसके बाद उन्होंने ब्लड पर रिसर्च करने का काम शुरू किया। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप और उसके प्रकार के बारे में बताया कि खून देने वाले व्यक्ति का ब्लड पाने वाले व्यक्ति से मैच नहीं कर रहा। इसका पता हेमाग्लूटिनेशन के कारण होने वाली क्रॉस मैचिंग में पता चला। इससे वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हर व्यक्ति के ब्लड की बनावट और प्रकार अलग अलग होते हैं। इस वजह से खून देने वाले व्यक्ति और खून पाने वाले व्यक्ति की सेल्स में अंतर आता है। इस शोध को आगे बढ़ाते हुए लैंड स्टीनर ने सैकड़ों लोगों के ब्लड ग्रुप का सैंपल लिया और एक साल के अध्ययन के बाद वो इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्लड तीन ग्रुप का होता है जिनको उन्होंने नाम दिया था ए बी और सी, और कुछ समय के बाद सी ब्लड ग्रुप को ओ नाम दिया गया था। लैंड स्टीनर की इस खोज के करीब एक साल के बाद उनके दो साथियों एल्फ्रेडो डी कैस्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने इस शोध को आगे बढ़ाया और चौथे ब्लड ग्रुप का भी पता लगाया जिसे ए बी ग्रुप नाम दिया गया। लैंड स्टीनर ने 1907 में ब्लड ग्रुप के अलग अलग प्रकार की खोज करने के करीब चार साल बाद सबसे पहला मॉडर्न ट्रांसफ्यूजन न्यूयॉर्क के सेनाई हॉस्पिटल में किया गया था। इसके बाद ब्लड ग्रुप के इस थियोरी को पूरी दुनिया में अपनाया गया जो आज तक जारी है। सामान्य रूप से ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ऐसा माना जाता है कि सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है क्योंकि ये ब्लड ग्रुप चुनिंदा लोगों में ही पाया जाता है। लेकिन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप से भी दुर्लभ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो लाखों लोगों में से भी किसी एक में पाया जाता है और उसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ब्लड टाइप विश्व में सिर्फ 0.0004% लोगों में ही पाया जाता है। भारत में 10,000 लोगों में से केवल एक व्यक्ति का ब्लड बॉम्बे ब्लड टाइप होगा। डॉक्टर वाई एम भेंडे ने 1992 में इसकी सबसे पहले खोज की थी। इसको बॉम्बे ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले ये बॉम्बे के कुछ लोगों में पाया गया था। तो ज़रा अपना भी ब्लड ग्रुप की जांच करवा लो, हो सकता है तुम रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही हो या फिर तुम्हारे कोई फैमिली मेम्बर भी इसी ब्लड ग्रुप में से निकले। वैसे ना भी हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ब्लड ग्रुप के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो स्वस्थ शरीर में खून 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। अगर पूरे दिन की एवरेज निकाले तो खून लगभग 96,500 किलोमीटर की दूरी पूरे दिन में तय कर लेता है। जानवरों में पाए जाने वाला ब्लड कई प्रकार का होता है, जैसे कि गायों में लगभग 800, कुत्तों में 13 और बिल्लियों में 11 तरह का ब्लड पाया जाता है, जबकि मनुष्यों के शरीर में ब्लड केवल 4 तरह का होता है। बोरोरो प्रजाति ब्राज़ील में पाई जाती है और इस प्रजाति की खास बात यह है कि यहाँ के सभी लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि होमस्टेड की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बनें।